हे गाइस हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर डी ब्रेंस। सो गाइस WR वेस्टर्न रेलवे का जो है मेरिट लिस्ट निकाला गया है, जो कि फोर्थ मेरिट लिस्ट है, और इसके पहले जो है ऑलरेडी 3 मेरिट लिस्ट आ चुके हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेरिट लिस्ट में किनका किनका जो है बुलावा पत्र आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ की सारी जितनी भी अपडेट्स हैं, लाइक जितनी भी PDFs हैं अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, सारा यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन होता है सब कुछ इसमें डाल देता हूँ, तो आप लोग इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने ये देखिए WR का डाल भी दिया है, तो चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ और सारा डिटेल्स आप लोगों को मैं सुना देता हूँ पढ़ के। उसके पहले गाइस देखिए यहाँ पे अगर बात कीजिएगा WCR का, तो आप लोग को पता होगा, मैंने चैनल पर अपडेट भी किया था, टोटल 7 मेरिट लिस्ट आया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी जो ये WR वेस्टर्न रेलवे का यहाँ पे जो है फोर्थ मेरिट लिस्ट ये आउट किया गया है। और यहाँ पे जो है गाइज अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं ज्वाइन नहीं करते हैं, इस वजह से भी सीट जो है वैकेंट रहते हैं। तो और बहुत और ऐसा भी होता है कि बहुत बच्चों को जानकारियाँ नहीं हो पाती हैं, उनको लगता है कि चलो भाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो सेकंड का वो इंतज़ार भी नहीं करते हैं, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जैसे ये सब मेरिट लिस्ट आप लोग को वेबसाइट में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से तो जुड़ ही जाइए, क्योंकि सारा जो जितना भी लेटर और बाकी जितनी चीज़ें हैं सब उसमें मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जो कि अभी जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे होंगे डेट देख लीजिए, ये 10 मार्च को जो है ऑलरेडी जारी किया गया था। और आप लोग को अगर जैसे अभी जो यदि मैं कहूँ तो बनारस का जो है अप्रेंटिसशिप जो है वो अभी आना बाकी है, NCR का जो है आना बाकी है, SCR का आना बाकी है, ठीक है, जो है मेरिट लिस्ट TV के लिए, तो और फिर ज्वाइनिंग का भी जो है बहुत जगहों का भी बचा हुआ है। तो ये चीज़ें आप लोग को चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। आप लोग जो है हमें मेल भी कर सकते हैं, जो हमारा जो मेल ID है ITIbrains1@gmail.com पे आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा देख पा रहे होंगे आप लोग, तो सबसे पहले ये जान लीजिए आपको रिपोर्ट कहाँ पे करना है, तो DYCPO हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर ओल्ड बिल्डिंग वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस चुरू चर्च गेट मुंबई 4000020, ठीक है। कब जाना है देख लीजिए, ध्यान से थोड़ा इस चीज़ को समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 22 तारीख को, ठीक है, 22 तारीख को सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 43 तक जाना है, मतलब 1 to 43 को जाना है। उसके बाद फिर 23 तारीख को किन को जाना है, तो 44 से लेके 87 सीरियल नंबर, नीचे दिखाऊंगा अभी सीरियल नंबर जो है जो बच्चों के यहाँ पे जो लिस्ट है, तो यहाँ पे जिनका 87 तक है 44 से उनको जाना है 23 तारीख को। और फाइनली 24 तारीख को जाना है आपको 88 से लेके 130 तक का जिनका है सीरियल में, ठीक है। तो ये नीचे हम लोग देख लेते हैं अभी। और उसके बाद देखिए साथ में आप लोग को लेके क्या जाना है, तो आप लोग को जैसा पता होगा एज़ यूजुअल आप लोग को जितने भी मार्कशीट्स होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट आप लोग को लेके जाना होगा। साथ में जो है 2 जेरेक्स कॉपी ले लेना है, ITI का मार्कशीट, कॉन्सोलेटेड मार्कशीट, एनुअल मार्कशीट, फिर सर्टिफिकेट, NTC सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, ये सभी चीज़ें आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। देन आप लोग जो है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट्स ले लीजिएगा, फिर EWS कैटेगरी वाले EWS सर्टिफिकेट ले लेंगे, STSC वाले STSC सर्टिफिकेट ले लेंगे। और दूसरी बात गाइस देखिए, OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर वाला होना चाहिए, जो कि 1/4/2020 के पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अगला यदि कुछ मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे COVID-19 का जो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो ले लीजिएगा, हालांकि मेंशन नहीं बट ले लीजिएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नीचे परफॉर्मा दिया हुआ है, उस पर बनवा करके आप लोग को लेकर के जाना है, ठीक है। तो देखिए ये सारे जितने हैं फॉर्मेट्स हैं, जैसे STSC का देखिए ये फॉर्मेट है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लासेस का फॉर्मेट है, ये सभी आप लोग को लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। नीचे दे बढ़िएगा तो देखिए डिसेबिलिटी पर्सन का यहाँ जो है फॉर्मेट है, ये सब बनवा लीजिएगा, जिनका जो भी अप्लीकेबल होगा वो बनवा लेंगे अपना डिसेबल पर्सन का। फिर यहाँ पर देखिए फिटनेस सर्टिफिकेट रेलवे वेस्टर्न रीजन का, तो आपको ये डाउनलोड करना होगा, ये आप लोग जो है प्रिंट निकाल लीजिएगा, बनवा लीजिएगा वेस्टर्न रेलवे का, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ जो है मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर की यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद जो है यहाँ देख लीजिए ट्रेड दिया है, ईमेल दिया हुआ है, ठीक है, नेम दिया हुआ है और रजिस्ट्रेशन ID दिया हुआ है, ठीक है। तो कैटेगरी यहाँ पर देख पाइएगा, तो गाइस यहाँ पर ट्रेड नेम जो है PASS है, ठीक है, ट्रेड हो गया। उसी तरह से नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए इनको 22 तारीख को जाना है मतलब, और फिर नीचे बढ़ते चलेंगे तो अदर सब जो है सारे यहाँ पे लिस्ट हैं, तो 22, 23 और 24, तो यहाँ पे सारे लिस्ट देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से हैं। और टोटल आप लोग का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टोटल देखिए 130 बच्चे हैं यहाँ पर,
ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे सारी अपडेट्स जो थी मैंने आपको दे दी है और एड्रेस बता दिया है कहाँ जाना है। सुबह के 9:30-10 बजे तक आप लोग को पहुँचना होता है, ठीक है, 9 तक हार्डली पहुँच जाइएगा। और अपना टिकट वगैरह पहले अरेंज कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर दूर से हैं तो, क्योंकि ये मुंबई रीजन में आपका होने वाला है, ठीक है। और सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे इसी PDF में। और दूसरी बात गाइज़ कि चैनल पे बहुत सारे अपडेट्स हैं, और जो भी DV और मेरिट आ रहे हैं, DV या फिर ज्वाइनिंग लिस्ट आ रहा है, सभी आप लोग को चैनल पर प्रोवाइड किया गया है। चेकआउट जरूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। DRDO का जो है DRDL से भी जो है ईमेल आ रहा है कैंडिडेट्स को, 15 मार्च समथिंग डेट है, चेकआउट कर लीजिएगा। उस तरह से WCR जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जो आपका ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट आया हुआ है, जहाँ की ज्वाइनिंग के लिए बुलाया भी जा रहा है, तो कैंडिडेट्स जो है 22 तारीख को आया हुआ है, 23 तारीख आया हुआ, अलग अलग डेट्स में मेल भी आ रहे हैं, आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। होप गाइज आपको जानकारी पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करने बिना नहीं जाइएगा। तो मिलते हैं अगली जानकारी, तो अगली वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।